आप केवल 75 लोग आकर के हल्ला करके और संसद बंद करा दोगे? आप माइक धकेल रहे हैं सर, आप माइक धकेल रहे हैं, आप माइक धकेल रहे हैं ना, इस सवालों से क्यों भाग रहे हैं? आपका काम है सवाल का जवाब देना, ऐसे आपकी मानसिकता ठीक नहीं लग रही। नहीं सर, आप सवाल से भाग रहे हैं, आप सवाल से भाग रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी के नेता है मनोज तिवारी और सवाल से भाग गए। पहला सवाल तो यही पूछूंगी कि सांसदों को सस्पेंड क्यों किया गया? 150 सांसदों को सस्पेंड, क्या सवाल पूछना गुनाह है सदन में? नहीं। हाँ। सांसद कितने होते हैं संसद में? 543। तो अगर 75 लोग नियम तोड़ रहे हैं तो 480 लोगों का अधिकार नहीं बचना चाहिए? हम तो सवाल उठाना चाहते हैं। लोकतंत्र की हत्या बताई जा रही है इस कृत्य को। लोकतंत्र की हत्या वो कर रहे हैं जो हमको नहीं बोलने दे रहे हैं। 480 सांसदों को बोलने का अधिकार नहीं है? आप केवल 75 लोग आकर के हल्ला करके और संसद बंद करा दोगे तो हम कहेंगे कि ऐसे लोगों को सस्पेंड भी करिए और कानूनी कार्रवाई भी करिए। सभापति बीजेपी के गुलाम हो चुके हैं, ऐसा जगदीप धनखड़ के लिए बोला जा रहा है। नेताजी राम राम, एक फोटो। क्या कहेंगे सर, सभापति बीजेपी के गुलाम हो चुके हैं? एक फोटो लेना। ये सभापति का अपमान है, किसानों का अपमान है, जाट कम्युनिटी का अपमान है, ओबीसी समाज का अपमान है, और इस अपमान को इस देश के लोग राहुल गांधी और उनसे बदला लेंगे। बीजेपी पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सर, बीजेपी पर बड़ा सवाल खड़ा होगी कि अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो सस्पेंड कर दिया गया। रमेश विदोड़ी कब सस्पेंड होंगे? क्या वो मंत्र पढ़ रहे थे सदन में? लोगों की जाकर के समीक्षा करो, जो लोग जिस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको वैसा जवाब मिलना चाहिए। तो सदन में किसी कम्युनिटी को गाली देना आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो सच? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सदन में किसी को गाली नहीं दिया जा सकता, जो भी गाली देगा वैसे राहुल गांधी को कड़ी सजा मिलेगी, वैसी टीएमसी को कड़ी सजा मिलेगी। आपने कहा कि हो गया। एक सवाल आपने कहा कि जगदीप धनखड़, आप माइक धकेल रहे हैं सर, आप माइक धकेल रहे हैं ना, इस सवालों से क्यों भाग रहे हैं? आपका काम है सवाल का जवाब देना, ऐसे आपसे एक सवाल और पूछना है। आपने कहा था कि जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करना पूरे समुदाय के लिए और किसानों का अपमान है, जाट समाज का अपमान है। लेकिन उसी से जुड़ा सवाल है, आपने नीतीश कुमार के लिए कहा था कि गंदे फिल्म देखकर वो सो रहे हैं जब उन्होंने नीतीश कुमार के उस डायलॉग का समर्थन करती है। समर्थन सर, आपसे सवाल पूछ रही है सर, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपकी जवाब दी है उस पर। आपने कहा था कि गंदी फिल्म देखकर सो रहे हैं। आपकी मानसिकता ठीक नहीं लग रही। नहीं सर, आप सवाल से भाग रहे हैं, आप सवाल से भाग रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी के नेता है मनोज तिवारी और सवाल से भाग गए। 2 से 3 सवाल किया उन्होंने, 2 से 3 शब्द बोले हैं उस पर। और मेरा आखिरी सवाल था कि जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार के लिए जो अपशब्द कहे थे, इस वक्त जिस तरीके से रमेश विदोड़ी ने जब गाली दिया था तब किसी नेता ने नहीं बोला था। नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स एजुकेशन के बारे में बताने की कोशिश की थी, तब यही मनोज तिवारी ने कहा था कि लगता है कि नीतीश कुमार कोई गंदी फिल्म देख के सो रहे हैं। ये बोलते हुए वो भूल गए थे कि इन्होंने कितनी गंदी गंदी गाने बनाए हैं, भोजपुरी को शर्मसार करने का काम किया है। मैं भोजपुरी बोलती हूँ, भोजपुरी क्षेत्र से आती हूँ, मैं जानती हूँ कि कितनी गंदी गंदी भोजपुरी के जो गाने बनाए हैं इन्होंने बनाए हैं। और इस वक्त जो कम्युनिटी के लिए कहा जा रहा है, मेरा इनसे सवाल यही था कि अगर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करना, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना, अगर पूरे समुदाय, पूरे किसान जाति के लिए अगर अपमानजनक है, तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ये कहना कि वो कोई गंदी फिल्म देख के सो रहे हैं, क्या पूरे बिहार का अपमान नहीं है? क्या पूरे बिहार के जनता का अपमान नहीं है? ये सवाल से भागते हुए देख आपको हमने दिखाया किस तरीके से बीजेपी के नेता सवाल से भाग रहे हैं। उन्हें वही पसंद है जो उनके फेवर में सवाल किया जाता है। पूछा जाए कि विपक्ष जो है लोकतंत्र का अपमान कर रहा है, तो वो खुशी खुशी बता रहे हैं कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमने उनके
अपोजिट में सवाल कर दिया, क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, तो बीजेपी के नेता मनोज तिवारी भागते हुए नजर आए हैं, वो माइक को धक्का दे रहे थे। हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से मनोज तिवारी भाग गए हैं। यहाँ पर आइए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर आई हुई है। सदन का जो है कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र के मंदिर संसद का अपमान करने के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। और यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी नेता मनोज तिवारी जो है यहाँ पर उपस्थित हुए थे, और उनसे जब हमने सवाल किया, क्रॉस क्वेश्चन किया, तो वो भागते हुए नजर आए। पहले उन्होंने मेरे माइक को धक्का दिया, जब मैंने ऑन कैमरा ये चीज बोला कि आप माइक को धक्का दे रहे हैं, आपकी जवाबदेही है, तो अब उन्होंने सवाल सुनने की थोड़ी सी कष्ट की, और जब उन्हें लगा कि ये सवाल मेरे विरोध जा रहा है, रमेश विदुड़ी पर सवाल किया, गाली देने पर बात की, गंदी फिल्म पर बात की, रमेश वो मनोज तिवारी चुटकी में भाग गए। पहले ही वो मेरे सवालों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल बर्दाश्त ना होने के कारण वो भाग गए। तो ये है बीजेपी की सच्चाई, उनके नेता सदन में किसी पूरे कम्युनिटी को गाली दें कोई बात नहीं, वो अच्छा है, लेकिन अगर सदन में विपक्ष सवाल पूछ दे, सदन में विपक्ष अगर हाँ बताइए क्या कह रहे हैं, क्या हो, क्या कह दिया, कौन भाग गया, मनोज तिवारी भाग गए सवाल से। मनोज तिवारी जी संसद में बैठ करके और बढ़िया से सवाल करते हैं और बोलते भी हैं और पूछते भी हैं। मेरे सवाल से क्यों भाग गए? आपने क्या सवाल पूछा जो भाग गए? मैंने पूछा रमेश विदुड़ी की सस्पेंशन कब होगी। देखिए रमेश विदुड़ी जी की कोई सस्पेंशन होने वाली नहीं है। क्यों नहीं, नहीं, एक रमेश विदुड़ी जिस प्रकार से देश में सामाजिक ताना बुना को तोड़ने का काम करते हैं, उसी प्रकार से जिसके विषय में आप रमेश विदुड़ी जी ने कहा, सुनिए, जो सांसद किसी दूसरे सांसद को गाली दे रहा है उसे सस्पेंड नहीं करेंगे आप लोग, लेकिन जो सवाल पूछ रहा है आपसे सदन में सत्ता से सवाल पूछ रहा है उसे सस्पेंड कर देंगे, ये कहाँ का न्याय है? देखिए भारत की एक सभ्यता और एक संस्कृति है, सभी सांसद ने मिलकर के एक डेकोरम बनाया हुआ जिसके तहत सवाल पूछते हैं। डेकोरम में ये नहीं है कि आप किसी को तख्ती लेकर जाओ और दिखाओ ऐसे करके, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। गाली देना डेकोरम है, सदन का डेकोरम है गाली देना। आपको देखना पड़ेगा कि कीचड़ में पत्थर मारने वाले लोगों की भी पहचान आपको करनी पड़ेगी, उस तरह के लोगों, जिस तरह की मानसिकता के लोगों ने जिस तरह से जाकर के संसद भवन में अपमान करने का काम करते हैं, और संसद में जो बैठे हुए उपसभापति सभापति को अपमानित करने का काम करते हैं, वैसे लोगों की एक पूरी पृष्ठभूमि भरी पड़ी है संसद में, और गाली देंगे प्रेस में है। आप सदन में गाली देंगे उनके सस्पेंड? देखिए आज देश में आप, की मेरी बात सुनिए सर, आप मुझे कीचड़ पत्थर ना समझाइए, मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछ रही हूँ। सवाल पूछने पर विपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया, तो गाली देना, अच्छा हंगामा ही मान लेते हैं, मान लिया हंगामा किया था, उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, तो सदन में गाली देने वाले को जो पूरे कम्युनिटी को गाली दे रहा है उसे सस्पेंड कब किया जाएगा और अब तक क्यों नहीं किया गया? देखिए संसद की एक व्यवस्था है, प्रिविलेज कमेटी है, उसमें वो शिकायत करेंगे। अनिश अली को जब सदन में गाली दी गई, पूरे आपकी जाति को गाली दी गई, आपको बुरा नहीं लगा? तो दानिश अंसारी को आप पता नहीं है वो कितना कितना बुरा भला बोलते हैं संसद के अंदर, था उनका नहीं पता क्या आपको? उनका नहीं पता क्या आपको? और दूसरी चीज आ जाइए आप, जैसे कि अभी राहुल गांधी के ऊपर चल रहा है कि ये राहुल गांधी धरती मतलब के ये समझ लीजिए क्या नाम है, इन्होंने कभी संसद की बुराई करते हैं, कभी हमारे राष्ट्रपति की बुराई करते हैं, कभी धरती माँ की बुराई करते हैं, कभी सनातन धर्म की बुराई करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ सनातन धर्म को मानते हैं? सनातन धर्म को नहीं मानते, मैं मजहब इस्लाम को मानता हूँ, लेकिन मेरा मजहब इस्लाम सारे धर्मों की इज्जत करना सिखाता है। जमुना गंगा की तहजीब का मुसलमान है, हाँ, इसलिए आपके हिसाब से रमेश विदुड़ी की सस्पेंशन, आप ये मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते, आप पहले अपने आप को कंट्रोल में रखिए, एक रिपोर्टर से और महिला रिपोर्टर से तमीज में बात की जाती है। नकली गांधी, राहुल नकली गांधी और नकली हिंदू, यो है नवाब बरेली वाले का पोता। आप लोग हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों करते हैं? हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी नहीं कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है, पिछले 65 साल से हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति
राजनीति करते आ रही थी वो कांग्रेस पार्टी थी। 2014 के अंदर देश के मुसलमानों को, देश के हिंदू भाइयों को जगाया, तो 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। देश की जनता ने स्वीकारा। राहुल गांधी पप्पू प्रधानमंत्री को पनौती बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री पनौती प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी से बड़ा क्या पनौती होगा। कांग्रेस ने खावेगा, कांग्रेस ने खावेगा, मट्टी में मिल जाएगा। और जिसको भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है, बीजेपी पसंद नहीं है, बीजेपी के फुल फॉर्म बीजेपी के फुल फॉर्म पता है आपको क्या है? आप बताइए, आप बताइए, फॉर्म बताइए आप। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता। मैंने जो मोदी, जो जिन लोगों को मोदी पसंद नहीं है, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं है, उनके लिए बीजेपी, उनके लिए बीजेपी है भाग जाओ पाकिस्तान। अच्छा। ये है उनके लिए भाग जाओ पाकिस्तान, बीजेपी का ये मतलब है उन लोगों के लिए। पाकिस्तान भाग जाओ पाकिस्तान। अरे आप जिसको बोल रहे हैं भाग जाओ पाकिस्तान, सर एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, आप जिसको बोल रहे हैं भाग जाओ पाकिस्तान, क्या इस देश की आजादी में उन्होंने अपना जान कुर्बान नहीं किया? क्या ये देश उनका नहीं है? किनका? आप मेरी बात सुन लीजिए के आप कह रहे हो ना कि आजाद, यार चचा एक मिनट, आप कह रहे हो ना आजादी, उस आजादी ने, उस आजादी के चक्कर में इन कांग्रेसी सत्ताधारी दलालों ने उस टाइम के अंदर एक हिंदुस्तान के टुकड़े कराकर एक पाकिस्तान बनवा दिया, लाखों हिंदू मुस्लिम इनोसेंट मरवा दिया। तो ये किसकी सरकार थी? कौन लोग थे वो जो हजारों लाखों मुसलमान, हिंदू मुसलमान मरवा दिया? किसको भेजेंगे पाकिस्तान? जिनको, जो भारत की बर्बादी चाहते हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, मैं उनको पाकिस्तान भेजना चाहता हूँ। और कांग्रेस पार्टी के जो आका हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। बीजेपी इस वक्त देशद्रोह के नाम से जानी जा रही है। मणिपुर में जिस तरीके से घुमाया गया महिलाओं को, पूरी बीजेपी में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? संसद भवन में गृह मंत्री जी ने जब क्वेश्चन करना स्टार्ट किया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मणिपुर पे जो मुद्दा उठाने वाले लोग थे वो छुप करके बैठ गए। उनकी आवाज कहाँ गई थी उस समय में? केवल एक दिखाने की कोशिश की जा रही है। आज अभी आपने एक मुद्दा स्टार्ट किया यहाँ पर कि पाकिस्तान भाग जाओ वाले, तो पाकिस्तान आपने शुरू किया, इन्होंने शुरू किया, मैंने नहीं कहा, आपने, इन्होंने कहा कि बीजेपी का फुल फॉर्म है भाग जाओ पाकिस्तान। लोग कहने की कोशिश किया ना, आपने भी बांटने की कोशिश की ना, किसी की बातों को लेकर के, मुद्दे को लेकर के आए और हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करते हैं। आप हमारे मुसलमान भाई भी हैं, यहाँ पे हिंदू भाई भी है और भी धर्मों के लोग मानने वाले हैं, सारे लोग यूनाइट है क्योंकि भारत की तरक्की देखना चाहते हैं। वो कश्मीर के कितनी तरक्की हो रही है, कितनी तरक्की हो रही है भारत की? रिपोर्ट में आ रहा है कि भारत जो है भुखमरी में हमेशा अव्वल नंबर। भारत का नाम विश्व में गुरु, विश्व गुरु के नाम में जाना जा रहा है। आप तिरंगे को लेकर के विश्व के किसी कोने में जब पहुंच जाते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। भूखे मर जाए, जनता भूखे मर जाए, लेकिन भारत विश्व गुरु बन गया। अरे जनता कहां भूखे मर रही है? महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, नंगा परेड कराया जा रहा है भारत में महिलाओं को, लेकिन भारत विश्व गुरु बन गया। देखिए जहां समाज के अंदर पहले, समाज के अंदर पहले से भी दुराचारी व्यभिचारी लोग रहे हैं, चाहे महाभारत काल की बात देख ले, रामायण काल की बात देख ले, या अन्य ग्रंथों में देख ले, हर जगह पे दुराचारी लोग हैं, लेकिन उसको कुचलने वाले आज भी भारत माता के सपूत है और वंदे मातरम के नारे लगाने वाले लोगों की संख्या है। उस दुराचारियों के कंधे पकड़ करके, उसकी गर्दन पकड़ करके निचोड़ डालने का काम करता है देश का कानून, उसको उसके जो है वो सजा देने का काम करता है। आपने बताया कि बहुत अच्छा काम कर दिया, यही पे पहलवान बेटिया बैठी थी जिस पे जिन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी के सांसद ने उनके साथ छेड़छाड़ की और तमाम चीजें थी, क्या कुछ एक्शन लिया गया? देखिए उस विषय में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कोर्ट के आदेश के सामने हम सबों का सरमस्तक रहता है, जो कोर्ट आदेश देती है, जो व्यवस्था होती है उसके अनुसार से कानून का काम होता है, करते रहना और उसका पालन करना। उसको उन्हें घसीटा जा रहा था और वो जिस आरोपी सदन में वहाँ पर संसद के उद्घाटन में जश्न मना रहा। देखिए वो आरोपी था या नहीं है, कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उसकी के आधार पे कुछ लोगों की प्राथमिकता रहती है, मेडल करने, मेडल आने वाले की लोगों के साथ सहानुभूति थी, लेकिन आज मेडल कहाँ लेकर के आप है उस विषय में हम नहीं, उन्होंने मेडल नहीं लाए,
उन्होंने मेडल नहीं लाए, उन्होंने आप कह रहे हो उन्होंने मेडल नहीं लाया। आप आज की स्थिति देख लो ना, आज की क्या स्थिति, आज की स्थिति देख लो ना, युवाओं की फौज खड़ी है मेडल लाने वाले की। कुछ लोगों का काम होता है आरोप लगाने का, कुछ लोगों का काम होता है घेरने का काम, लेकिन हमारे देश में कानून है, हमारे देश में कोर्ट है, वो विचार करती है, वो फैसला करती है। हमारे बुजुर्ग है उनसे भी पूछिए आप। तो बात ये है कि सवाल जी क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी बताओ क्या आप कहें? आप बहुत देर से बोल रहे हैं कि कुछ कहना है, बताइए। इस कौम को किसी के लिए छेड़ना कोई हांसी खेल सौदा नहीं है। किस कौम को? इस धनकर वाली कौम को। धनकर वाली कौम को छेड़ना कोई हांसी खेल सौदा नहीं है। तो बीजेपी के तमाम लोगों से बात की हमने और गुस्सा अभी भी आपको दिख रहा है किस तरीके से, जो गुस्सा है और सवाल पूछने पर जो बौखलाहट नजर आती है बीजेपी में वो कुछ अलग ही लेवल का है। सवाल वही पसंद है इन्हें जो इनके फेवर में की जाए, लेकिन अगर विरोध में सवाल कर लिया तो फिर तो भैया काम बन गया, क्योंकि ये या तो माइक को धक्का देंगे जैसे बृजभूषण शरण सिंह ने नव भारत टाइम्स की जो है टाइम्स नाउ की रिपोर्टर की जो हाथ दबा दिए थे, वो तो घटना याद ही होगी, सोशल मीडिया पर वो फेमस है, वो वीडियो पूरी वायरल हुई थी किस तरीके से उनके हाथ को दबाकर माइक तोड़ दिया गया था, वो सीन आपने देखा था। आज मनोज तिवारी का दिखाया हमने किस तरीके से उन्होंने हाथ यहाँ पर रखा और माइक को दबा दिया, जब हमने बोलना शुरू किया तब जाके वो रुके हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था सवाल, वो भाग गए, भाग खड़े हुए। और यहाँ पर तमाम लोग जो मिले थे उनकी बौखलाहट देखी कि आपने कि किस तरीके से जो सवाल पूछा हमने, तो बौखलाहट आपको सामने नजर आई है। इस पूरे बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।